खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर ब्लॉक में अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के सभी पीआरडी जवान इकट्ठा हुए और पीआरडी कार्यालय का घेराव किया। वही पीआरडी जवानों का आरोप है कि हम सभी जवान हैं, कुछ लोगों को 4 महीने के लिए ड्यूटी पर रखा गया और अन्य पीआरडी जवानों को ड्यूटी नहीं मिल रही है। जो जवान पहले से ड्यूटी कर रहे थे उनसे 15,000 रुपये लेकर ड्यूटी फिर दे दी गई है, जबकि जियो के अनुसार 6 महीने ड्यूटी का प्रावधान है, उसके बाद भी नए लड़कों को ड्यूटी दी जाती है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और ये सब सब गरीब आदमी पेड जवान है, ये 4-4 महीने वाले ड्यूटी पर रख रहे, जो बाकी वैसे हैं उन्होंने ड्यूटी पर रखा है। 15-15 हज़ार की रिश्वत ली उनसे, और 15,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद यदि क्या नाम उन्हीं पुराने लड़कों रख रहे हैं जो चल लेते पहले। जियो के अनुसार 6 महीने सिस्टम है, 6 महीने बाद चेंज कर जाते हैं, उसके बाद फिर नए लड़के रखे जाते हैं। और दूसरा मसला ये है, जो हमारा हल्का सरदार अशोक कुमार है वो हटा हुआ पद से हटा हुआ है, उसके स्थान पर मेजर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी तक उसके पिति नहीं हटाई गई है। इनके द्वारा ड्यूटी ना लगाए जाने की बात की जा रही है, बाकी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 28 ड्यूटी आई है थाने में ना, तो उसके सापेक्ष हमने 28 ड्यूटी लगा दी है, लेकिन पीआरडी जवान ज़्यादा है तो सबकी ड्यूटी नहीं लग पाई है। तो इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, 2.5 महीने के बाद फिर ड्यूटी चेंज होगी, उसके बाद हम इनकी ड्यूटी जो बचे हुए हैं उनकी लगा देगी। ऐसे हैं जो 6 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा उनको रेस्ट दिया जाएगा, बाकी जो ड्यूटी नहीं कर रहे उनको ड्यूटी दी जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि जिन की ड्यूटी चेंज होनी होती है, मैंने अभी भी जब से आया हूँ मुझे 4-5 महीने हो गए आए, जिनकी ड्यूटी 6 महीने होगी मैंने उनका लेटर बना करके चेंज के लिए जिले में भेज दिया। अब जिले वालों पर किसने क्या प्रेशर बनाया, वो ड्यूटी जिले से चेंज नहीं हुई, उसमें मेरा वो कोई नहीं। 6 महीने के बाद मैं ड्यूटी चेंज करने का लेटर बनाता ही बनाता हूँ।